चश्मा दी दीदी का बकरी है, ये एआई से हुआ है, मतलब कृत्रिम गर्भधान से हम लोग किए हैं, सीमन लगा के डाले थे इसमें, उसी से ये बच्चा पैदा हुआ है। पहले अपना छोटा छोटा हो, अब बड़ा बड़ा हो। छोटा नागपुर प्लेटू जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट्री एरिया है। फॉरेस्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ पे हम लोग ने देखा जो यहाँ की ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उनके ग्रेजिंग के लिए फीड फोल्डर और रफेज काफ़ी अच्छा सोर्स है। इतना अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स होने के बावजूद भी जो यहाँ की ब्रीड है उनका वो प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर वेट देखने को नहीं मिला, उसका रीजन ये है इनब्रीडिंग। हमर छेड़ी हिट रहा असला से बड़े दूसरा गांव चली गए और तर बदरे हमके खुज के जाके पड़ू था, तर बदरे मैंने बकरा भी नहीं दे के खुजू था, तर बदरे पैसा भी लेके खुजू था। हमर छगरी मन बच्चा देत रही हले ठीक से दूध नहीं देत रहे माँ और थोड़ा मर जात रहे। गाँव में अगल बगल में बहुत जगह पे ये देखा गया है कि जो बक नहीं मिलता है, जो बकरा है यहाँ का, ये बकरा अच्छा नस्ल वाला बकरा मिलता नहीं है। कोई एक दो गांव में अगर मिला तो मिला, और उसी को लेके दादा लोग या फिर दीदी लोग जाके बकरी के साथ मेटिंग कराते थे, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन्स भी बहुत जगह पे देखा गया है, फैला है। तो हमने जब ये ICIC प्रोजेक्ट के माध्यम से गाँव में ये कॉन्सेप्ट शेयर किया कि देखिए अगर आप लोगों के पास बकरा नहीं है तो बिना बकरे का भी ऐसे बच्चा पैदा किया जा सकता है, तो AI का वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट शेयर किए। AI कृत्रिम गर्भाधान को बोलते हैं, ये कोई विदेशी पद्धति नहीं है। जो अच्छे नस्ल का पाठा होता है उसका जो बीज होता है उसको सीमेन निकाल करके फ्रोजन सीमेन को हम एक छोटे से मशीन की सहायता से बकरी के गर्भाशय में डाल देते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है सेम इसी तरीके से होता है लेकिन अच्छे गुण वाला होता है, जैसे कि जल्दी से वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, और उसको बीमारी से लड़ने की क्षमता अधिक होता है। कृत्रिम गर्भाधान करने के बहुत फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको बड़ा पाठा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा ये है कि कम पैसे में आप अच्छे नस्ल का जो पाठे का अंश है, बीज है, उसे क्रॉस कराएंगे और बच्चा पैदा होगा। इस तरीके से किसान जो है अधिक फायदा ले सकता है। कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए कोई भी दीदी सीख सकती है, कोई भी दादा सीख सकते हैं, और अपना जो आजीविका है उसको बढ़ा सकते हैं। प्रदान संस्था में जुड़ी, उसके बाद में मुझे ICIC प्रोजेक्ट के तहत से हमको AI करने के लिए ट्रेनिंग मिला उधर से, और हम जाते हैं वहाँ और सबसे पहले तो बकरी को देखते हैं कि वो हीट में है या नहीं है, और इससे पहले ये चीज़ भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि वो कम से कम बकरी बड़ा होना चाहिए और उसका वजन के हिसाब में, तब जाके AI करेंगे। अक्सर हम लोग ने देखा है जो गोट की AI है, अभी तक बहुत एक्सपर्ट लोग या वैज्ञानिक लोग ही कर रहे थे, पर हम लोगों ने दोनों ब्लॉक में ट्रेनिंग दी और लगभग 50 वुमेन महिलाओं को ट्रेनिंग देने के बाद आज वो विलेज लेवल पे ग्रेंटेड AI कर रहे हैं। जो इन ब्रीडिंग से बग का प्रोडक्शन हुआ है उनको बडीजो कास्टेटर के द्वारा कास्टेशन भी कराया, और आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा उससे ग्रोथ हो रही है। तो उड़ा रेंज मरव संगे को पलो कान था ना, उन समय दो ओजन हो 700-800 को हुई कान था करना, और नहीं तो AI करते को काको हपन करना उनको ओजन को हुई करना 1 किलो 200-250 ग्राम को हुई करना। AI से जो बच्चा होता है वो काफ़ी स्वस्थ होते हैं, और सभी ब्लॉक में इसका सक्सेस रेट जो है 65% तक दिख रहा है। ज़्यादातर यहाँ के जो पशुपालक भाई बहन हैं ये बकरियाँ पालती हैं, बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान योजना को जो है इसको चला करके लोगों का आय को में बढ़ोतरी करना, मास्क हो या उनका जो पशुधन है उनको एक अच्छा आय का स्रोत या जीविका का स्रोत हम लोग दे सकें, ये हमारी एक सोच है। कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद जो बच्चा आता है वो अच्छे नस्ल का होता है, और बकरी का दूध की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है, इससे जो बकरी के बच्चे की मृत्यु होती थी वो बहुत घट गया है। पिछले 1.5 साल में प्रदान के द्वारा 150 से ज़्यादा AI किया गया, जिससे कि किसान अपना रहे हैं, और किसानों में इसको लेकर के काफ़ी उत्साह है कि हमारे बकरियों में जो ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं जो कि झारखंड, बिहार और बंगाल की पहचान है, उसमें नस्ल सुधार हो रहा है, और नस्ल सुधार होने की वजह से एक रिसोर्स सेंटर बन रहा है। AI जो हमारे गांव में आया
ये हमारे गांव में जो जितने भी किसान हैं जो लघु परिवार से आते हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। इंगन मेरम पट्टी एआई पीआई होपन का कुआ आर नुआ होपन ये ते इं अड़ी खुशी भी नहीं आ जे जब बोले इंजा इनकम हो मौजगी हुई काम तीन आर नुआ ते अड़ी फायदा की मुझे होगा टुकु इंगन एसेट मेरम कना।